हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लासेज। क्लास 10 साइंस में, फिजिक्स में आज आपका चैप्टर 3 में नेक्स्ट टॉपिक है आपका लेंसों से संबंधित डेफिनेशन। चलिए इसको समझते हैं। तो डेफिनेशन पहले हम पढ़ते हैं वक्रता केंद्र की, ठीक है। वक्रता केंद्र किसी उत्तल या अवतल लेंस में दो गोली पृष्ठ होते हैं। इनमें से प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इन गोलों के केंद्र को लेंस के वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। पृष्ठ के यानी आपको बताए थे मैंने, गोली पृष्ठ बताए थे जब अवतल दर्पण उत्तल दर्पण पढ़ाया था तब। गोली पृष्ठ क्या कौन कौन से होते हैं वो मैंने आपको बताए थे, ठीक है। इसमें क्या है, प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है, ठीक है। जो पृष्ठ होगा वो गोले का भाग होगा। इन गोलों के केंद्र को ही क्या कहते हैं, लेंस के वक्रता केंद्र कहते हैं। चलिए इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर देखो मैंने दो गोले खींच लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने, अभी इसमें देखो ये बीच में कौन सा लेंस बनता है, उत्तल लेंस बनता है। देखो ये बीच में मोटा है और किनारों पर पतला, ठीक है। ये मैंने ये अवतल लेंस सॉरी उत्तल लेंस बनता है आपका, ठीक है। ये बीच में मोटा है तथा किनारों पर ये पतला। अब वक्रता केंद्र में क्या था, गोलों के केंद्र को लेंस के वक्रता केंद्र कहते हैं। अब गोलों के जो यहाँ पर ये पॉइंट थे, यहाँ से ही मैंने गोला खींचा था तो ये हो गए वक्रता केंद्र। इसमें ये मैं नाम दे देती हूँ C1, और यहाँ से खींचा था मैंने गोला तो ये C2, ठीक। अब ये आपके C1 व C2 क्या है, गोलों के केंद्र। इनको ही क्या कहते हैं, लेंस के वक्रता केंद्र। अब एक बार डेफिनेशन और देखो, किसी उत्तल, मैंने उत्तल लेंस बनाया है तो ये उत्तल लेंस में देखो, किसी उत्तल लेंस में दो गोली पृष्ठ, ठीक है। अब दो गोली पृष्ठ कौन से हैं, एक ये वाला पृष्ठ और एक ये वाला पृष्ठ, ठीक है, गोले हैं। इनमें से प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है, ठीक है। अब ये इतना ये गोले को मैंने आगे बढ़ा दिया तो ये क्या है, गोले का भाग हो गया, ठीक है। प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है, ये गोले का भाग होता है। इन गोलों के केंद्र को ही, अब ये गोले का केंद्र क्या था, ये, ठीक है। अब आप गोला खींचोगे तो आपका केंद्र ये होगा, यानी बीच का बीच वाला पॉइंट वो जहाँ से गोला खींचते हो वो गोले का केंद्र होता है, ठीक है। गोले के केंद्र को ही लेंस के वक्रता केंद्र कहते हैं। तो C1 व C2 क्या हो गए, वक्रता केंद्र हो गए, ठीक है। ये डेफिनेशन आपकी। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन को देखते हैं, मुख्य अक्ष की डेफिनेशन समझते हैं। लेंस के दोनों वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र आप समझ गए अभी बताया है मैंने, वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा, वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब मैं फिगर में बताती हूँ आपको। अब ये C1 व C2 यानी वक्रता केंद्र है, ठीक है। इससे गुजरने वाली मैं इसी रेखा को आगे बढ़ा देती हूँ, ये भी मैंने रेखा आगे बढ़ा दी है। अब लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली, यानी देखो ये दोनों वक्रता केंद्र से गुजर रही है, गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। ये रेखा क्या क्या है, मुख्य अक्ष, ठीक है। C1 व C2 यानी वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। अब तक दर्पण में और बताते हैं अभी आपको। अब तक लेंस में देखो ये किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला, ये अवतल लेंस है, ठीक है। अब ये अवतल लेंस में क्या किया, गोलों को आगे बढ़ा दिया। ये C1 व C2 वक्रता केंद्र, ठीक है। गोले के केंद्र को ही क्या कहते हैं, लेंस का वक्रता केंद्र। अब इस वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। तो ये अवतल लेंस में है, ठीक, मुख्य अक्ष। अब आपको क्लियर हो गया होगा मुख्य अक्ष।
चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। प्रकाशिक केंद्र की डेफिनेशन समझिए। लेंस का केंद्रीय बिंदु प्रकाशी केंद्र कहलाता है। किसका? लेंस का, ना कि गोले का, ठीक है। लेंस का केंद्रीय बिंदु प्रकाशी केंद्र कहलाता है। दूसरी किसकी डेफिनेशन देखते हैं। एक पतली लेंस का प्रकाशी केंद्र लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। चलिए डायग्राम की हेल्प से समझते हैं प्रकाशिक केंद्र कहाँ है। ये उत्तर लेंस में समझते हैं। लेंस का केंद्रीय बिंदु, अब केंद्रीय बिंदु कहाँ है ये, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। प्रकाशिक केंद्र कैसे इसे नाम दे देते हैं सी। अब अवतल लेंस में समझते हैं। अवतल लेंस में ये है केंद्रीय बिंदु, इसे नाम दे देते हैं सी। यह आपका है प्रकाशिक केंद्र। अब यहाँ से हम कोई प्रकाश की किरण डालें तो ये बिना विचलित हुई सीधी निकल जाती है, ऐसे करके यानी डालेंगे तो ये सीधी निकल जाएगी, ठीक है। प्रकाश की किरण ये डाली ऐसे और ये बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी, इसी को क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र। अब अगली डेफिनेशन देखते हैं। मुख्य फोकस की डेफिनेशन देखते हैं। लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर अपसरित यानी एकत्रित होती हैं, कहाँ होती हैं? उत्तल लेंस में ही एकत्रित होती हैं, एक अपसरित हो जाती हैं, उसे उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। तथा अवतल लेंस में क्या होती हैं? ये अपसरित यानी बिखर जाती हैं, एकत्रित नहीं होती हैं, उसे अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। चलो इसमें बताती हूँ आपको फिगर में। ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण लेंस से यहाँ से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं, मुख्य अक्ष ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं यानी कहाँ मिल रही हैं? ये आकर फोकस पर मिल रही हैं, ठीक है। ये F1 मिलती हैं यानी एकत्रित होती हैं, उसे उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। यहाँ प्रकाश की किरण डाली, ये अपवर्तन के पश्चात यहाँ से जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं उसे ही मुख्य फोकस कहते हैं। अब उत्तल लेंस में जो प्रकाश की किरणें कहाँ आकर एकत्रित होती हैं? मुख्य फोकस पर। और अवतल लेंस में क्या होती हैं? ये आभासी रूप में प्रतीत होती हैं, हमें वास्तव में नहीं मिलती हैं ये उसमें अवतल लेंस में, ठीक है। अवतल लेंस में ये आभासी रूप में प्रतीत होती हैं। ये प्रकाश की किरण आपतित प्रकाश की किरण समांतर आपतित प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात यहाँ अपवर्तन हुआ, फिर वापस ये अपसरित होकर प्रतीत हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पर आकर ये फोकस पर कि मिल रही हैं, वास्तव में नहीं मिलती हैं, वास्तव में उत्तल लेंस में ही मिलती हैं और इसमें ये अपसरित होते हुए प्रतीत होती हैं। यहाँ लिख देती हूँ मैं अवतल लेंस में। अपसरित होती प्रतीत होती हैं। प्रतीत होती हैं और इसमें अवसरित होती हैं, तभी कहाँ जहाँ बिंदु पर आकर मिलती हैं या एकत्रित होती हैं, अवसरित हो जाती हैं, उसे ही क्या कहेंगे? मुख्य फोकस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन। लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। अब लेंस के प्रकाशिक केंद्र ये है और फोकस तक, फोकस के बीच की दूरी को यानी प्रकाशिक केंद्र से यहाँ तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसमें ये प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी को, बीच की दूरी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहते हैं। अब उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक। और अवतल की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट देखते हैं लेंस का द्वारक। गोली लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास लेंस का द्वारक कहलाता है। अब फिगर में देख लो, लेंस का द्वारक कौन सा कहलाता है? ये वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास, ये क्या है? व्यास है, तो इसे क्या कहते हैं? लेंस का द्वारक। ये लेंस का द्वारक कहलाएगा, ठीक है। यही बच्चों हमारा टॉपिक फिनिश होता है। थैंक यू।